मंडी सदर पुलिस को पड्डल मैदान के समीप एक दुकान के बाहर अज्ञात शव बरामद हुआ है। एसपी मंडी गुरुदेव चंद शर्मा ने बताया कि पड्डल मैदान के पास दुकान में एक अज्ञात शव बरामद हुआ है और शव को कब्जे में लेकर जोनल अस्पताल मंडी में शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। उन्होंने बताया कि प्राप्त जानकारी के अनुसार ये व्यक्ति पिछले 6 दिनों से स्क्रैप इकट्ठा करने का काम कर रहा था और शव पर किसी भी तरह की चोट के निशान नहीं मिले हैं। आपको बता दें कि सदर पुलिस को पड्डल मैदान के साथ दुकान के बाहर एक अज्ञात शव बरामद हुआ था और शव का पोस्टमार्टम जोनल अस्पताल मंडी में करवाया गया। पुलिस के मुताबिक पिछले 6 दिनों से ये व्यक्ति स्क्रैप इकट्ठा करने का काम कर रहा था और शव की पहचान की जा रही है। पड्डल ग्राउंड के साथ ही शॉप नंबर 4 के बाहर पुलिस को एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी मिली है और अभी तक की जानकारी के अनुसार ये 5-6 दिन से यहाँ पे स्क्रैप इकट्ठा करने का काम कर रहा था। अभी तक इसकी पहचान नहीं हो पाई है। शरीर पे इस पे कोई भी चोट के निशान नहीं है और इसने ब्राउन लेदर जैकेट पहनी हुई है और पैंट और शर्ट पहनी हुई है। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी कहीं से पहचान हो पाए और इसकी जो इसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जोनल हॉस्पिटल में भेजा गया और इसमें अग्रिम तफ्तीश अभी जारी है।